رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم और ये सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों आइए अपनी असेंबली में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों अपनी असेंबली में तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं, और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरहसान। आइए सरहसान तिलावत कुरान पाक कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم سبحان الله। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। बेशक जो अल्लाह और इसके रसूल को ईज़ा देते हैं इन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमा दी है, और अल्लाह ने इनके लिए रुस्वा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बग़ैर कुछ किए सताते हैं तो इन्होंने बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठा लिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह सरहसान आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों अब हम असेंबली में एक हदीस पाक को शामिल करते हैं, और हदीस पाक पढ़ने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर एहसान। जी सर एहसान आइए और हदीस पाक पढ़िए। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران اقرا القران حدیث کا ترجمہ ہے یعنی قران پاک کی تلاوت کرو یعنی قران پاک کی تلاوت کرو۔ सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यार बच्चों हमारे साथ अब मौजूद है सर साइम, जो हमें अल्लाह पाक के पाक नाम याद करवाएंगे। ठीक है जी सर साइम आइए और अल्लाह पाक के पाक नाम याद करवाइए।
जी तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम 50 नाम याद कर लिए थे, आज हम मजीद 5 नाम याद करेंगे। मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अल हक्कु, अल हक्कु, अल हक्कु, अल हक्कु, अल वकीलु, अल वकीलु, अल कवियु, अल कवियु, अल कवियु, अल कवियु, अल मतीनु, अल मतीनु, अल वलियु, अल वलियु। तो बच्चों, अब हम इसके तर्ज में पढ़ते हैं। अल्हक्कुल वकीलुल कवियुल मतीनुल वली। तो बच्चों, आज हमने जो नाम याद किए हैं वो मैं आपसे क्लास में भी सुनूंगा, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, सर साहिब ने हमें अल्लाह पाक के पाक नाम याद करवाए, अब आपको ये नाम याद करने हैं, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, अब हम असेंबली में कलाम पाक को शामिल करते हैं और कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है सर सुफियान। आइए सर सुफियान कलाम पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खेते खुदा तुझको रखे, मदीने के खेते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा से दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा से दुश्मन, रज़ा नफ़्से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सर सुफियान आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की
हाजरी नसीब फरमाए, आमीन। यार बच्चों आइए इल्म इजाफे की दुआ को पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। रब्बी रब्बी जिदनी जिदनी इल्मा इल्मा, रब्बी रब्बी जिदनी जिदनी इल्मा इल्मा, रब्बी रब्बी जिदनी जिदनी इल्मा इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليك واصحابك يا نور الله وعلى اليك واصحابك। प्यारे बच्चों अब हमारी असेंबली का वक्त खत्म हो चुका है, अब सब लाइन बनाकर अपनी क्लासेस में चले जाइए। स्कूल हो तो क्या बात है, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहां। स्कूल हो तो स्कूल हो तो ऐसा, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। है बच्चों ये कौन सा यूनिट है? स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों क्या आपको पता है ये लफ्ज क्या है? ये लिखा है मर्सीफुल। सारे मेरे साथ मिलके पढ़े, एम ई आर सी आई एफ यू एल, मर्सीफुल। मर्सीफुल का माना है रहम करने वाला, रहम दिल और मेहरबान। मर्सीफुल किसे कहते हैं? मर्सी कहते हैं रहम, और मर्सीफुल कहते हैं रहम करने वाले को। चले बताएं इस पूरी कायनात में मर्सीफुल कौन है? अल्लाह पाक सबसे ज्यादा मर्सीफुल है। अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह पाक रहमान है। जी आप आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत मर्सीफुल हैं। जी हाँ, तशरीफ रखिए। लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वास मर्सीफुल। लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वास मर्सीफुल। जी हाँ, अल्लाह पाक मर्सीफुल लोगों से बहुत खुश होता है। एक्सीलेंट बच्चों, आपने कमाल कर दिया। अब सब मिलकर बताएंगे कि मर्सीफुल को उर्दू में क्या कहते हैं। इसी के साथ हमारे यूनिट का वक्त खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नेक्स्ट क्लास में हम नया लेसन पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों हमारा कौन सा यूनिट स्टार्ट हो गया? इस्लामियात। जी इस्लामियात। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों इस्लामत की पीरियड में हमने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी सीरत के बारे में पढ़ा था, और आज हम कुछ मजीद बातें अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बात करेंगे। बच्चों क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजाई वालदा का नाम बीबी हलीमा सादिया रदिल्लाहु ताला अन्हा है? क्या नाम है? जी बीबी हलीमा सादिया रदिल्लाहु ताला अन्हा। और ये कबीले बनो सात से ताल्लुक रखती थी। अरब के लोगों की याद थी कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें देहात या गांव में भेज दिया करते थे, ताकि उन्हें अच्छी परवरिश मिल सके। और बच्चों इसी तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी हलीमा सादिया रदिल्लाहु ताला अन्हा अरब शरीफ में लेने आई थी। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने मक्का शरीफ आए, तो वहाँ पे एक दिलचस्प वाकया हुआ था।
जी वो वाक्य ये है कि बीवी हलीमा रदिल्लाहु तआला ना फरमाती है, बच्चों जब मैं बनू साद की औरतों के साथ मक्का शरीफ आ रही थी तो मेरा खच्चर इतना कमजोर था कि वो काफले के साथ नहीं चल रहा था। फिर जब मैंने मक्का शरीफ से एक बच्चे को लिया, यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और वापस अपने घर की तरफ आने लगी, तो मेरा खच्चर इतना तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसके पास नहीं पहुंचती थी। तो बहुत अमेजिंग बात है। जी हाँ, और काफले की औरतें बीबी हलीमा रदिल्लाहु तआला अन्हा से पूछने लगी, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी? उन्होंने कहा, हाँ ये वही खच्चर है। फिर बीबी हलीमा रदिल्लाहु तआला अन्हा अपने घर पहुंच गई। जब आप रदिल्लाहु तआला अन्हा वापसी पहुंची कि आपके इलाके के हालात ही कुछ और थे, बारिश नहीं हो रही थी जिसकी वजह से खाने पीने की बहुत कमी थी और आपकी बकरियां भी दूध नहीं दे रही थी। लेकिन जब आप रदिल्लाहु तआला अन्हा अपने घर में दाखिल होती हैं, तो आपकी बकरियां दूध देने लग जाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप रदिल्लाहु तआला अन्हा के एरिया में सिर्फ आपकी ही बकरियां दूध देती थी। किसकी बकरियां दूध देती थी? आपकी। और किसी और की बकरियां दूध भी नहीं देती थी। फिर आपके इलाके वालों ने कहा कि जहाँ आप रदिल्लाहु तआला अन्हा की बकरियां चरती हैं, वहाँ आप भी बकरियां चराएं ताकि वो भी दूध देने लग जाए। आपके इलाके वालों ने उस जगह पर बकरियां चराना शुरू की जहाँ आपकी बकरियां चरती थी, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं आया। बस आपकी बकरियां ही दूध देती थी और लोगों की बकरियां दूध नहीं देती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये सारी बरकतें जाहिर हो रही थी। स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में इतना ही काफी है। चलें अब हम अगली क्लास में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और प्यारी प्यारी बातें सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार बच्चों, हमारा कौन सा यूनिट है? कुरान। जी, कुरान यूनिट है। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। जी प्यारे बच्चों, हमारा कुरान यूनिट स्टार्ट हो चुका है। आप सब रेडी है ना? जी प्यारे बच्चों, इस कुरान यूनिट में आज हम कुरान पाक की कुछ सूरतों के नाम जानेंगे जो कि अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक नामों पर है। और वो नबी अलैहिस्सलाम कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। जी प्यारे बच्चों, कुरान पाक में 5 सूरतें ऐसी हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों पर हैं। सर, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम तो मोहम्मद है और कुरान पाक में इस नाम पर तो एक ही सूरत मोहम्मद है। सर, बाकी कौन सी सूरत है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आइए मैं इसका जवाब देता हूँ। यारे बच्चों, कुरान पाक में 4 सूरतें ऐसी हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पर है। पहली सूरत है सूरह तौहा, दूसरी सूरत है सूरह यासीन, तीसरी सूरत है सूरह मुज़म्मिल, चौथी सूरत है सूरह मुद्दस्सिर, और एक सूरत का नाम तो आप सुन चुके हैं जिसका नाम है सूरह मुहम्मद। जी, सूरह मुहम्मद। प्यारे बच्चों, तौहा भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मुबारक नाम है। यासीन भी, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर भी। ये कुल 5 सूरतें हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों पर है। आइए हम सब मिलकर इसको रिपीट कर लेते हैं। पहली सूरत है सूरह तौहा, कौन सी है? सूरह तौहा। दूसरी सूरत है सूरह यासीन, कौन सी है? सूरह यासीन। तीसरी सूरत है सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल। चौथी सूरत है सूरह मुद्दस्सिर, और पांचवी सूरत है सूरह मुहम्मद। तो बच्चों, आज आपने ये बातें सीखी हैं, तो आपने इन बातों को याद रखना है और यही आपका होमवर्क है, ठीक है? चलिए बच्चों, आज का हमारा यूनिट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको नया लेसन पढ़ाएंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों हमारा ये कौन सा यूनिट है? तो बच्चों आज हम एथिक्स का एक नया लेसन, नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है और वो है दूसरों की मदद करना। क्या है बच्चों? दूसरों की मदद करना। बच्चों हमें अपने क्लास फेलोज और दोस्तों की मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मदद चाहिए। आपको पता है दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है और ये चीज अल्लाह पाक को भी बहुत पसंद है। पर मदद करने से हमें कैसे खुशी मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको उनकी दुआएं मिलती हैं और इससे आपका दिल खुश हो जाता है। चलिए अब आप एक बात बताएं कि जब आप अपनी क्लास में अपने किसी दोस्त की पेंसिल उठाने में मदद करते हैं या कोई भारी चीज उठाने में अपने दोस्त का साथ देते हैं, आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। बच्चों अल्लाह पाक भी ऐसे लोगों को पसंद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं और ये बहुत बड़ी नेकी भी है। बहुत ही अच्छा सवाल किया आप सबने। हम पढ़ाई में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो हम उसे समझा सकते हैं। तो हम इसकी हेल्प करते हुए। जी हाँ बिल्कुल शाबाश। आप सब बच्चों को एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब हमारे यूनिट का टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले यूनिट में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया आ गया।